हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ एक हेल्दी ऐसा खाना जिसको आप लंच में खाएं या फिर डिनर में। आपको इससे कैलोरी नहीं बढ़ेगी और या फिर बहुत ही लिमिटेड जितनी आपको ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब्ज़ियाँ तोवेल पे क्यों रखी है। तो ये मैं रेसिपी अपने लिए बनाने जा रही थी और फिर मुझे याद आया कि जो लोग वेट लॉस की जर्नी में हैं और सोचते हैं कि आखिर वो सब्ज़ियों को खाएं कैसे, कितनी बार उबाल के खाएं या कितना तेल में फ्राई करें, तो इसके लिए आज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ये सब्ज़ी खाती हूँ। यहाँ मैंने लिया है एक छोटी सी गाजर थी, बहुत ही छोटी थी, एक प्याज, कुछ कॉर्न और ये फूल गोभी की कलियाँ भी मैंने ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ 5-6 ऐसी छोटी छोटी कलियाँ ली हैं, 2 से 3 हरी बीन्स, पत्ता गोभी और आधी शिमला मिर्च। इसको हम निकालते हैं एक बाउल में और ये सब्जियों का पानी भी सूख चुका है इस तोवेल में, तो इसको अब हम आगे प्रोसेस में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वेट के साथ दिखाऊंगी कि मैंने कितनी सब्जियाँ ली है। तो ये हो गया है 220 ग्राम। इसके साथ ही मैंने एक टमाटर जिसको छोटा बड़ा हर तरीके से काट दिया है, तो ये हो गया 282 ग्राम। और ये 60 ग्राम ये गया है पनीर, आप पनीर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टोटल 350 ग्राम है। इसको हम ओवन में बेक करने वाले हैं और इस पर मैं ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, आप घी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, चम्मच भर के नहीं लेना है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे काली मिर्च। मसाले आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे टोटल सारा मसाला डालने वाली हूँ। धनिया पाउडर, उसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, पर अगर मैं कभी जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रेडी करती हूँ तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। और नमक आपको बहुत ही थोड़ा लेना है, जितना आप डेली खाने में लेते हैं आपको उससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में नमक लेना है अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो। एक लास्ट आइटम, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इस पर थोड़ा सा और मसाला, आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आपको चिली फ्लेक्स मिलाना है या नहीं। इसको अब हम थोड़ा सा मसाले में इस तरीके से कर देंगे मिक्स, ताकि जो घी हमने डाला है थोड़ा सा वो भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है जो अनहेल्दी है। वो एक चम्मच जो घी हमने डाला था वो भी आप अगर टीस्पून से नापेंगे तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम होगा वो। तो यहाँ पे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ मैंने केक का टिन लिया है जिसमें बेकिंग पेपर लगाया है और उस पर मैं ये वेजिटेबल्स रखूँगी। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जब सब्ज़ियाँ रोस्ट होंगी तो मेरा टिन ख़राब ना हो, या अगर कोई सब्ज़ी ज़्यादा क्रिस्पी होकर अगर उसमें चिपक जाती है तो उसमें कुछ स्क्रैच ना आए। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आपको टिन में हल्का सा घी या तेल से हल्का सा लगाना पड़ेगा। और इसको अब मैं 200 डिग्री पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना बेक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम कम या ज़्यादा करेंगे। तो मैं आपको ये बेक होने के बाद दिखाती हूँ। और हाँ, मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए ओवन रख दिया था ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, 25 मिनट में, मैंने तो आपको फिर भी 35 मिनट बोल दिया था, 25 मिनट में बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी रोस्ट हो चुकी है और इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और देखिए, कम तेल में बहुत अच्छे से सारी सब्ज़ियाँ मिक्स हो गई। तो इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, आप चाहे तो इसको बाउल में भी निकाल सकते हैं। खुशबू इसकी सच में बहुत अच्छी आ रही है और कम से कम मुझे ये चीज़ पता चल गई कि अब मैं इस रेसिपी से बोर नहीं होने वाली हूँ। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको ऐसे खाने वाली हूँ तो नहीं, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ एक और ट्विस्ट। इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा
थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, आप चाहे तो धनिया पत्ता की चटनी भी बना के डाल सकते हैं, और एक पापड़ जो मैंने गैस पे सेका है, इसको तेल में ना डीप फ्राई कर ले, और इस तरीके से इसको छोटा छोटा सा तोड़ ले। और ये देखिए, ये हमारा बन गया है हेल्दी खाना। आप इसको चाहे तो दोपहर में खाएं या फिर रात में। रात में कोशिश करें 8-8:30 से पहले इस खाने को ख़त्म करें, रात का खाना ज़्यादा लेट ना करें। और सेम यही रेसिपी मैं एक और नए तरीके से बताऊंगी, पर पहले आप मुझे इसको बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।